राजस्थान से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ वैशाली गोगिया और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव राजस्थान। राजस्थान में गलतफहमी भरी गाइडलाइन, वीकेंड कर्फ्यू से लेकर अब तक हर बार गृह विभाग की गाइडलाइन में कंफ्यूजन, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर बहुत सी खामियां। कोरोना की दूसरी वेव आने के बाद से ही गृह विभाग की हर गाइडलाइन में गलतफहमी सामने आ रही है। ऐसे में गाइडलाइन जारी करने के बाद गृह विभाग सफाई भी दे रहा है तो कभी संशोधन जारी कर रहा है। पिछले 10 दिन में ही हर बार गाइडलाइन में ऐसे नियमों को शामिल किया जा रहा है जिनका व्यवहारिक तौर पर पालन करना लोगों के लिए मुश्किल भरा होता है। ऐसे में गाइडलाइन की उलझनों की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाइडलाइन में 3 घंटे में शादी समारोह समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया, जबकि धार्मिक रीति रिवाज में इससे ज्यादा का वक्त लगता है। बाद में गृह विभाग ने मौखिक तौर पर सफाई दी कि शादी में 3 घंटे का वक्त सिर्फ भोजन के लिए है, धार्मिक रीति रिवाज के लिए समय सीमा नहीं है। हालांकि लिखित में संशोधन जारी नहीं हुआ। शराब की दुकानों के सुबह 6 से 11 बजे खोलने के प्रावधान का भी विरोध हो रहा है। पहली बार 15 अप्रैल को आधी रात वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा, जनता को नहीं लगा पता। 15 अप्रैल को आधी रात 11:25 पर अगले दिन शाम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीकेंड कर्फ्यू का घोषणा किया। आधी रात को ट्वीट करके बताया कि 4 लाइन की घोषणा करते हुए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई। इसकी वजह से लंबे लॉकडाउन की आशंका को देखते हुए पैनिक बाइंग शुरू हो गया। वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा के 15 घंटे के बाद गृह विभाग की गाइडलाइन, सीएम की वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा के 15 घंटे के बाद सिर्फ 3 घंटे पहले 16 अप्रैल को दोपहर 3 बजे गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी की। देरी से गाइडलाइन जारी करने की वजह से लोगों में गलतफहमी रही, कई जगहों पर बाजारों में भीड़ लग गई। वीकेंड कर्फ्यू खत्म होने से पहले 18 की आधी रात को 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़े के नाम से मिनी लॉकडाउन की घोषणा। वीकेंड कर्फ्यू के समाप्त होने से पहले ही 18 अप्रैल रविवार की आधी रात से कुछ वक्त पहले 3 मई तक मिनी लॉकडाउन कम कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। खास बात तो ये रही कि मुख्यमंत्री ने 18 अप्रैल को मंत्रियों, नेताओं और मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ खुली चर्चा रखी। गहलोत ने इस बैठक में भी खुलकर कहा कि लॉकडाउन नहीं होगा, इस पर सोच समझ कर फैसला करना होगा। इसके कुछ ही घंटों के बाद रात को 3 मई तक कर्फ्यू की घोषणा कर दी। गृह विभाग ने इस बार भी देर रात 11 बजे ही गाइडलाइन जारी की थी। 23 अप्रैल को फिर गाइडलाइन में संशोधन, कई गलतफहमी। गृह विभाग ने 23 अप्रैल को गाइडलाइन में संशोधन कर जरूरी चीजों की दुकानें, फल सब्जी के थड़ी थैली और किरानों की दुकानों को खोलने का समय सुबह 6 से 11 बजे तक कर दिया। शादी समारोह 3 घंटे तक ही करने का प्रावधान दिया है। शादी समारोह पर गाइडलाइन में 3 घंटे का वक्त या बाद में मौखिक सफाई। गृह विभाग ने 23 अप्रैल की गाइडलाइन में शादी समारोह के लिए 3 घंटे में काम कंप्लीट करने का प्रावधान किया। जब इस प्रावधान पर भास्कर ने सवाल उठाए तो गृह विभाग ने मौखिक सफाई दी। कहा, शादी समारोह में सिर्फ भोजन के लिए 3 घंटे का वक्त है, बाकी धार्मिक रीति रिवाज के लिए कोई बाध्यता नहीं। बसों में आधी सीटों पर यात्रियों को अनुमति, निजी वाहनों पर पाबंदी, इससे गफलत। गाइडलाइन में बसों को आधी सीटों पर यात्रियों को बैठाने की अनुमति दी गई है, लेकिन निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने पर रोक है। मेडिकल एक्सपर्ट भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। बस में ज्यादा लोग होने पर संक्रमण का खतरा ज्यादा है। पहले ठेलों को सुबह 6 से 11 बजे तक का तय था वक्त, फिर वापस पलटे आदेश। गृह विभाग ने पहले फल सब्जी के थड़ी ठेलों को सुबह 6 से 11 बजे तक की अनुमति दी। बाद में कल फिर से आदेश में संशोधन हुआ और थड़ी ठेलों को सुबह 6 से 5 बजे तक की अनुमति दी। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें।